बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में कक्षा 9 के छात्र ने अपनी हंसती हुई फोटो स्टेटस में लगाई। इस बात से नाराज होकर कुछ लड़कों ने उसे चाकू मारकर मार डाला। संजय गांधी अस्पताल में भारी पुलिस बल के बीच पोस्टमार्टम कराकर शव किया गया परिजनों के हवाले। मोबाइल के स्टेटस में अपनी हंसती हुई फोटो किशोर को लगाना पड़ा महंगा, मिली मौत की सजा। बैकुंठपुर थाने का है मामला। बच्चे वहीं पास के नेबुहा गांव के रहने वाले थे। आधा दर्जन युवकों ने मिलकर कक्षा 9 के छात्र के ऊपर चाकू से हमला कर उतारा मौत के घाट। बैकुंठपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया। हम आपको बता दें, मामला मोबाइल में स्टेटस को लगाने को लेकर हुआ था। बैकुंठपुर स्कूल में विवाद, जिसके बाद युवकों ने मिलकर दिया घटना को अंजाम। पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी। दोपहर तक पुलिस अधीक्षक के अनुसार एक आरोपी गिरफ्तार हो गया था, चार अभी भी फरार थे। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का है पूरा मामला। नेबुहा गांव के रहने वाले बच्चे अपने स्कूल बैकुंठपुर गए थे। वहां पर सीनियर बच्चों से स्टेटस को लेकर कुछ विवाद हो गया। विवाद मामूली सा था। कक्षा 9 के लड़के गोविंद विश्वकर्मा ने अपनी हंसती हुई फोटो स्टेटस पर लगा रखी थी। सीनियर का कहना था, तुमने इस तरीके की फोटो क्यों लगाई? बस एक मामूली विवाद में कक्षा 9 में पढ़ने वाले लड़के को मौत के आगोश में पहुंचा दिया। सीनियर लड़कों ने एकत्र होकर पहले उसके साथ मारपीट की। उसी दौरान किसी ने उसके पेट में चाकू मार दिया। चाकू के दो घाव काफी गंभीर थे गोविंद विश्वकर्मा की, जिसकी वजह से मौत हो गई। उसके पेट में लगा था चाकू। चाकू मारकर सीनियर बच्चे वहां से भाग गए। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चों को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लेकर आया गया, जहां बच्चे की मौत हो गई। गोविंद विश्वकर्मा की मौत हो गई। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में कल लगभग 4 बजे के आसपास 5 युवकों ने मिलकर एक अन्य युवक से उनका विवाद हुआ। मोबाइल में कुछ स्टेटस लगाने संबंधी अभी जानकारी प्राप्त हो रही है। उस संदर्भ में विवाद बढ़ा और उसके दौरान तत्काल इस घटनाक्रम को उन लोगों ने अंजाम दे दिया और वो लोग भाग गए। पुलिस को पता पड़ने पर तत्काल मौके पर पहुंच के अग्रिम कार्रवाई शुरू की और लगातार हमने फिर कल से ही तीन टीमें बनाई और अभी हमारी टीमों को सफलता मिलना शुरू हुई और पहला आरोपी अभी राउंड अप ने किया है। उससे भी पूछताछ शुरू की है कि घटना का मूल विवाद क्या था, मूल कारण क्या था, और अन्य साथियों के बारे में भी काफ़ी जानकारी है, उनसे भी लेना प्रारंभ किए। तो हमें आशा है कि अतिशीघ्र हम सभी लोगों को राउंड अप कर लेंगे और मूल समस्या का पता करके उसके अकॉर्डिंग फिर आगे अपनी कार्रवाई करें। कितने आरोपी हैं सर? कुल 5 आरोपी घटनाक्रम में शामिल हैं।